27-28 29 तरीक की हड़ताल रखी है। आपके नौजवानों का शोषण ना किया जाए। ये ब्लैकलिस्ट किए वर्कर ने 10-10, 20-20 रुपया रिपोर्टर वाले ने महकमे में दोबारा बहाल किया जाए। पहला मुलाजम ने उन्होंने रेगूलर किया जाए या कंडीशनां ला के कढ़े गए ने उन्होंने बहाल किया जाए। साढ़े ना ते पंजाब दी जनता दे नाल वादा किया सी आउटसोर्सिंग सिंह दी किते भी भर्ती नहीं करन क्योंकि किलोमीटर स्कीम दीआं जिहड़ियां बसां उन्होंने रद्द किया जाए कि एक पोस्ट ते दो तनखाह दित्तियां जा रहियां अगे करदे आं भी पक्की भर्ती की जाए। क्यों हाँ जी, मेरा नाम कुलवंत सिंह है जी। असी अज आपदे संघर्षां दौरान गेट रैलियां का प्रोग्राम लिखा है कि असी पंजाब दे विच दोबारा तो 27-28-29 तरीक की हड़ताल रखी है। उहदे तहत अज 2 तरीक की वख-वख डिपुआं दे विच गेट रैली सी कि जिहदा मुख कारण यह भी सरकार ते मैनेजमेंट साडे नाल कुछ वादे करके उन्हां तों भजदी नज़र आ रही है कि असी 14 तरीक नूं जिहड़ी हड़ताल की सी उस हड़ताल दे विच साडी सीएम साहब नाल मीटिंग तय हुई सी। एक तो मीटिंग तय कराउण तों बाद मीटिंग फाइनल होई नहीं मुख्यमंत्री साहब नाल, पर फिर भी चीमा साहब वालों जो मैनेजमेंट नूं हदायतां दित्तियां सी कि चाहे किलोमीटर बसों का टेंडर रद्द जां जिहड़ी आउटसोर्स ते भर्ती है उहदे बारे गलबात करन तों बाद फिर अगला एक्शन लिखा जाएगा, तो उन्होंने दोनों गलों से ही मैनेजमेंट भजदी नज़र आ रही है कि आउटसोर्स से भर्ती भी मैनेजमेंट ने कर दी है तो किलोमीटर बसों का टेंडर भी दोबारा कर रही है। तो असी विरोध के आपके प्रोग्राम स्टैंड किए ने दोबारा भी ना तो जी सरकार के वादे मुताबक जी भर्ती है वो आउटसोर्स से सानू मंजूर नहीं, डायरैक्ट भर्ती रेगूलर भर्ती की जाए, पंजाब के नौजवानों का शोषण ना किया जाए, तो उवें किलोमीटर बसा जिहड़ियां उहदा वी असीं विरोध करदे हां। देखो कारण यह भी सरकार नवी नवी सत्ता च आई है तो सानू सरकार तो उम्मीदा भी बहुत ने भी सरकार साडे मसले हल करेगी, पर कितना कितने सरकार मैनेजमेंट के कहण ते साडे नाल जोर अजमैश भी कर रही है भी मैनेजमेंट वालों कुछ चालां चलियां जांदियां भी असीं वख-वख कैटागरियां च वंडदा है वर्करां नूं तां हड़ताल कामयाब नहीं होएगी। तो असी सरकार तो यह मंग करते हैं भी असी हड़ताल करना ही नहीं चाहते जी, तो कहने भी साडे मसले हल करो। असी 15-18 साल तो नगुणिया तनखावां ते काम करते आ रहे हैं, सानू रेगूलर किया जाए। जिहड़े 2014 दौरान जिहड़े साथी कढ़े सी हड़ताल दौरान आजाद वाले साथी उन्होंने बिना किसी शर्त ते ड्यूटियां ते पाया जाए, तो इस तरह ही जिहड़े ब्लैकलिस्ट किए वर्कर ने 10-10, 20-20 रुपया रिपोर्टर वाले ने उन्हां तों भी जुर्माने भरा के उन्होंने अपीलां खारिज कर दित्तियां सी, उन्हां नूं महकमे विच दोबारा बहाल किया जाए ता जो कुछ तो पैसे जुर्माने वजो महकमे नूं फायदा भी होएगा, बाकी वो पुराने बंदे ने उन्होंने तजर्बा है तो माड़िया मोटिया गलतियां करके महकमे चो फर्क किए ने उन्होंने असीं दोबारा बहाल कराने वास्ते सरकार तो मंग करते हैं। मेरा नाम कुलदीप सिंह है जी। अज का जिहड़ा साडा प्रोटेस्ट है ये मैनेजमेंट के विरोध के विच कीता जी असी, क्योंकि जो मैनेजमेंट ने एक भर्ती खोली हैगी कनैक्टर के ड्राइवर की, पर साडी मंग सी भी साडे जिहड़े पहलां वाले मुलाजम ने उन्होंने रेगूलर किया जाए जां जिहड़े साडे साथी कुछ संघर्षां दौरान जां कंडीशनां ला के कढ़े गए ने उन्होंने बहाल किया जाए, फिर कितें आके मैनेजमेंट जिहड़ी भर्ती है रेगूलर भर्ती की जाए, क्योंकि सरकार ने सत्ता दे विच आउण तों पहलां साडे नाल ते पंजाब दी जनता दे नाल इह वादा किया सी भी असीं जिहड़ी भर्ती है एक रेगूलर भर्ती करांगे आउटसोर्सिंग दी किते भी भर्ती नहीं करांगे, क्योंकि पिछली सरकार दे दौरान साडा पट्टी विखे इस तरह साडा प्रोटेस्ट चल रहा सी, तो उस समय लालजीत भुल्लर जी उस साडे धरने दे विच पहुंचे, उस समय वो एक कैंडीडेट सी आम आदमी पार्टी दे, अज उन्होंने कोल सीट है ट्रांसपोर्ट मंत्री दी, तो उन्होंने साडे नाल उदों वादा किया सी साडे कोल उन्होंने जो वीडियो है असी वो बार बार उन्होंने भेजते भी हैं तो मीडिया के भी पाई हुई है, उदों उन्होंने वादा किया भी असी कोई भी आउटसोर्सिंग भर्ती नहीं करांगे, सारे मुलाजमान पक्का किया जाऊगा, जिहड़े किसी साथी नूं कढ़िया गया कंडीशन वाला उन्होंने एक मौका दिता जाऊगा, पर हुण उल्टा सरकार ते मैनेजमेंट आपके वादियां तों भजदी नज़र आ रही है। जिहड़े साडे साथी कोई कंडीशन ला के कढ़े गए जां संघर्षां दौरान कढ़े गए उन्हां नूं मौका देण दी बजाए जिहड़े पंजाब दे नवें नौजवान है उन्होंने एक दल दल दे विच धक्किया जा रहा है, क्योंकि जिहड़ी इह भर्ती है एक ठेकेदार द्वारा की जा रही है जिस दे विच जिहड़ी तनखाह हैगी बहुत नगूनी तनखाह हैगी, क्योंकि असीं जदों इस विभाग दे विच आए सी तां सानूं भी बड़ा चा सी, असीं तुहाडे इस मीडिया जरिए
वो नौजवान जिहड़े भर्ती होकर आ रहे उन्होंने भी एक मैसेज देना चाहते हैं दसना चाहते हैं क्योंकि जो साड़ी विरोधता है वो नौजवानों नाल नहीं क्योंकि वो साड़ी वीर भाई ने साड़ी विरोधता मैनेजमेंट नाल है सरकार नाल है क्योंकि जे इन्होंने भर्ती करनी है तो रेगूलर भर्ती की जाए क्योंकि उन्होंने एक दल दल के धक्के आ रहा है। असी जो भर्ती होए से सानू बड़ा चा सी भी तीन सालों बाद सानू रेगूलर किया जाऊगा पर इन्होंने वो जो दूजी सरकार ने आके वो कानून रद्द कर दिता हुण फिर नवे कानून बना दते ने साडे कोई साथियों इन्होंने कंडीशनां ला के कढ़ता या निक्कियां निक्कियां रिपोर्टां ते कढ़ता उन्होंने कोई मौका नहीं दिता जा रहा मैनेजमेंट नहीं चाहती भी जिहड़े नौजवान पहलां इहदे विच महकमे दे विच 10-10 साल काम कर चुके ने उन्होंने कोई निक्कियां निक्कियां रिपोर्टां ते कढ़िया उन्होंने दोबारा एक मौका दिता जाए जां उन्होंने दोबारा भर्ती किया जाए। असी पिछे स्ट्राइक का प्रोग रखिया सी स्ट्राइक कीती सी तां दूजे दिन सरकार ने साडे नाल एक टेबल टॉक कीती सी मुख्यमंत्री ने सानू मीटिंग मिली सी पर मुख्यमंत्री भगवंत मान जी उस मीटिंग दे विच शामिल नहीं होए तां साडी वित्त मंत्री नाल मीटिंग होई तां उन्हां ने सानू 2 महीनिआं दा समां मंगिआ साथों तां असी भी कितना किते उहते सहमति जताई अते उन्होंने जो किलोमीटर बसा पै रही विभाग के उन्होंने भी टेंडर रद्द करते सी ते जिहड़े नौजवान कंडीशन ला के कढ़े ने जां नजायज़ रिपोर्टा ला के कढ़े ने संघर्ष अंदरों कढ़े उन्होंने एक मौके वास्ते कह दिता सी पर मैनेजमेंट उल्टा दोबारा फिर उन्होंने भर्ती स्टार्ट करती नौजवानों नवयां भर्ती करना शुरू करता पर पुराणियां अनदेखिया करके उन्होंने कोई भी मौका नहीं दिता। जिहड़ियां विभाग के दो प्रकार दी तनखाहां दित्तियां जा रही उहदी असीं विरोधता करते हैं भी एको विभाग के असीं कम करते हैं एको कम करते हैं तो फिर साडियां तनखाहां दे विच फर्क क्यों है क्योंकि कोई भी विभाग के इदां नहीं है भी दो प्रकार दी तनखाहां होण। साडे कुछ साथियों 9,000 दिता जा रहा है कुछ साथियों 13-14,000 दिता जा रहा है जो कि जिहड़े साथी पहलां तो कम करे है करदे आ रहे ने 10-10 साल हो गए उन्होंने इस विभाग के निक्की मोटी रिपोर्ट ते उन्होंने कढ़िया गया है उन्होंने जे वह दोबारे बहाल होकर आता है उन्होंने जी तनखा हैगी घट दी जा रही है असी उसकी विरोधता करते हैं भी तनखा साड़ी एक सारता की जाए जोड़े नौजवानों कंडीशन ला के क्या संघर्षों दौरान क्ढ़िया उन्होंने एक मौका दिता जाए तो जड़िया किलोमीटर बसों का टेंडर है वह रद्द किया जाए विभाग अपन महकमे दसा पावे तो नौजवानों होर रुजगार के मौके प्राप्त होते विभाग बचा रहे। अगला जोड़ा साडा एक्शन है 6 तरीक का एक्शन है जी पटियाले असी हैड ऑफिस का घराओ कर जा रहे हैं उसकी साड़ी तैयारी प्रॉपर है मुकम्मल तैयारी है। अज का जोड़ा साडा प्रोटेस्ट है 27 डिपुआ के चल रहा है वर्कशॉप के गेटा के उपर जी रैलियां करके आम जनता इस मैनेजमेंट को दस चुके हैं। मेरा नाम जी रविंदर सिंह पनबस PRTC कंट्रैक्ट वर्कर यूनियन पंजाब कैशियर बठिंडा डिपू जो अज का साडा प्रोटेस्ट है जी वो मेन मंगा तो यही है भी किलोमीटर स्कीम दसा उन्होंने रद्द किया जाए तो जो नजायज़ भर्ती की जा रही है आउटसोर्सिंग की उन्होंने बंद किया जाए तो जो नजायज़ कंडीशन ला के 15/9/2021 साढ़े वर्कर च पाड़ा पवाया गया कि एक पोस्ट से 2 तनखाह दित्तियां जा रही हैं वो तनखाह में एक सारता की जाए तो जोड़े साढ़े वर्कर छोटिया छोटिया गलतियां तो कटे हुए उन्होंने मुड़ बहाल किया जाए तो जो बाकी साढ़िया मंगा जो जनतक मंगा कि 10,000 नवी बस पाई जाए तो जो असी आम पब्लिक को सही सफर सहूलत दे सकी तो बाकी जो असी मंग करते हैं भी पक्की भर्ती की जाए क्योंकि सरकार ने जो पंजाब सरकार ने सत्ता तो आने तो पहला वादा किया कि असी नौजवानों पक्का रुजगार देंगे पर उत्थे कितना कितने उन्होंने तो वो आपके वादे तो भजदे नजर आ रहे हैं तो कच्ची भर्ती आउटसोर्सिंग की भर्ती कर रहे हैं तो जिते कितना कितने सरकार कह दी है कि इन्हों पक्का नहीं किया जा सकता मतलब ये नौजवानों का हम भविख खत्म कर जा रही है सरकार तो 8-8, 9-9 हज़ार से भर्ती कर जा रहे हैं जी तो इस रोस वजो असी अज गेट रैली करके अपनी तैयारी शुरू की है तो अगे दे भी संघर्ष 6 तरीक नूं असीं हैड ऑफिस पटियाले का घराओ करांगे तो उस तो बाद पनबस का हैड ऑफिस का घराओ करांगे तो उस तो बाद ट्रांसपोर्ट मंत्री जां भगवंत मान जी का उन्हां दा विरोध करांगे तो उन्हां दा घर मूहरे पक्का धरना देंगे जी।